अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 9 निर्भय बनो। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका जन्म सन 1921 ईस्वी में हुआ था। कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिला के अवराही हिंगना गांव में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टदार लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। निर्भयता बहुत बड़ा गुण है, बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए, इस अंश के सभी पात्र नवयुवक हैं। उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रियोदा। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है, कभी अकेला कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा ना हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रॉबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। देखिए, प्रियोदा मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। विद्यार्थी और शिक्षक यानी उसके सहपाठी जो है वो सभी उसे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक एक मुट्ठी अनाज मांगता है। बीमार छात्र या शिक्षक की भी वह पूरी सेवा करता है। इसके लिए उसने एक क्लब बनाई है, वही उसका प्रमुख है, सब उसकी इज्जत करते हैं। हर शनिवार को परमान के ऊपर उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेलकूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं, किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। हर शनिवार को प्रियोदा के दल के सदस्य परमान नदी के उस पार दूसरी पार बालूचर नामक स्थान पर एकत्र होते हैं, यानी सब मिलते हैं। वे खेलते कूदते हैं और रविवार का कार्यक्रम भी तय करते हैं। किसे कौन सा काम दिया जाएगा यह भी बताया जाता है। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन के को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम बताओ जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। तब मनमोहन उत्तर देता है, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, प्रियोदा दूसरा सवाल करता है। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठटाकर हंसे लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो। मनमोहन उत्तर देता है, सीख लेंगे, शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो, जी, तैरना, जी नहीं। कालू मोना मनमोहन नामक लड़के को क्लब का सदस्य बनाने के लिए लाता है। प्रियोदा उससे कई सवाल पूछते हैं, जैसे कि आधुनिक नेता को लोग भगवान का अवतार मानते हैं, पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हुआ तो। इस प्रश्न के उत्तर में मोना चुप रहा क्योंकि वह हैजे से डरता था। मोना गाना जानता था परंतु तैरना उसे नहीं आता था। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। सूरज उत्तर देता है, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। क्लब का एक सदस्य सूर्य नारायण है, वो पढ़ाई में कमजोर है पर शरीर से मजबूत है, साथ ही उसे सूरज पहलवान भी कहते हैं।
मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूरज को सौंपी जाती है। जब वो उत्तर देता है कि एक दिन उठाकर इसे पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा, तब सभी हंसते हैं। और सूर्यनारायण देखिए पढ़ाई में कमज़ोर है पर शरीर का मजबूत है, रोज़ 100 दंड बैठक करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान के नाम से उसे पुकारते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखाकर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह, उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। देखिए सभी सदस्यों के आग्रह पर मोना गीत सुनाता है, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। प्रियोदा मोना की तारीफ करते हैं। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई, परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, पखेरु दल बांधकर बांस वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दीन पहिया हरब, भोला गरीबक दीन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया, एकटा जे लोटा छल, बेटा छल तीन पनिया, पिबैत काल लोटा लेलक चीन। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी टट्ठाए। सूर्यास्त होने वाला था, क्लब के सभी सदस्य कतार बनाकर नदी के पुल के पास पहुंचे। वहां एक गाड़ीवान तन्मय होकर यानी बहुत तल्लीन होकर विद्यापति का गीत गा रहा था, सूरज ने भी उसके सुर में सुर मिला दिए। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा, उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दलीनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने, सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा, वह महीन बात देरी से बूझता है, मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना। बस बात खत्म। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। देखिए उसी समय सब डिप्टी साहब के फायर एक चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया। उसका अर्दली दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया को उठा ले गया। अर्दली यानी के अफसर का नौकर। क्लब के एक सदस्य इब्राहिम ने अर्दली के बारे में कहा, साला भारी खचड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, हॉल्ट। दल के नियम के अनुसार कोई सदस्य किसी प्रकार का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकाल सकता था। इब्राहिम माफ़ी मांगता है पर फिर वो उसके मुंह से साला शब्द निकल गया। प्रियोदा ने उसे चेतावनी दी कि इब्राहिम का तर्क उस वक्त था कि जब अफसर गाली देते हैं तो उन्हें गाली देने में क्या हर्ज है। तब क्लब के नियम की याद दिलाकर इब्राहिम को शांत कर दिया जाता है
और सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सब एक दूसरे से विदा होते हैं। प्रियोदा ने कहा, मौना डरता है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं, मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा, अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं, प्रियोदा हंसे बोले, देख मौना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो, तो वह गाना राम रहीम ना, मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। मनमोहन सुने रास्ते से जाने से डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चले। रास्ते में एक सूना खंडहर और उचड़ा हुआ मकान मिला जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। लोग मानते थे कि वहाँ भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ नाचती है, यह जानकर मोना डरने लगता है। देखिए प्रस्तुत अंश जो है वो कितने चौराहे से लिया गया है और निर्भयता जो है वो बहुत बड़ा गुण है ये बताया गया है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए, लेखक हमें ये समझाते हैं। इस अंश के सभी पात्र जो है वो नवयुवक है और उनमें निर्भयता दिखाई देती है, और जो कोई भी इसमें डरता है, जैसे यहाँ पर मनमोहन डरता था, तो प्रियोदा उसका डर दूर करने की कोशिश करता है। इसी तरह जो भी डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। थैंक यू।